Good morning, students. My name is Rohit Singh and I'm a new English teacher. Due to COVID coronavirus, you are not coming to school and cannot continue your studies. So, seeing your problem, Success Kid Academy represents a new way of learning. He giving you a video link in YouTube, and then you will be continue your study by video wise. If you have a book, then don't worry, you will be continue your study. But if you don't have a book, then you are in problem. So please hurriedly, you will be buy your study books in your classes. Okay, if then you continue your studies video wise. Okay, please accept your my request and continue my classes. Okay. Today we will learn class 5 English reader and learn first chapter named Marco Polo. In this lesson we will learn about Marco Polo. Who was Marco Polo? Marco Polo was a very famous merchant. He was inspired many explorer mein bahut se khoj karta hai matlab jo research karte hain ya bas talash karte hain unki aur merchants ki bahut bade मिसाल माने जाते हैं मार्को पोलो. मार्को पोलो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने चीन में जाके अपनी मतलब चीन में पहली बार उन्होंने चीन का दौरा किया. उस समय का बहुत समय पहले मतलब 13 सेंचुरी में उस समय के पहले यूरोपियन थे जिन्होंने चीन में दौरा किया. सो ही वाज अ वेरी गुड मर्चेंट, फेमस मर्चेंट. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट मार्को पोलो. मार्को पोलो हाउ इट विल बी बॉर्न, कहाँ पैदा, वेयर इट विल बी बॉर्न, कहाँ वो पैदा हुए थे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया, कैसे वो अपनी जर्नीज ट्रैवल की, कैसे एडवेंचर्स में गए अपने पापा मम्मी के साथ, पापा और चाचा के साथ कैसे गए, और वहाँ जाके फिर क्या क्या किया, फिर हाँ उन्होंने कौन कौन सी चीज़ पर मर्चेंट किया, किस चीज़ का बिजनेस किया और क्या क्या बताया, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. द होल थिंग आर डिपेंड ऑन मार्को पोलो. मार्को पोलो की बारे में कोई पढ़ाएंगी, उनकी एक बुक थी जो लिखी थी एक रस्टिकलो ने लिख के, तो उन्होंने उसकी बुक जो मतलब ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसी किताब के बारे में सब इस लेसन में लिया गया है, उस किताब से ही इस लेसन में लिया गया है. लेट स्टार्ट ऑफ रीडिंग. मार्को पोलो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना. मतलब मार्को पोलो पहला यूरोपियन था, मतलब यूरोप के रहने वाला पहला यूरोपियन था जिसने चाइना का दौरा किया, मतलब चीन का दौरा किया. चाइना में इसका चीन देश का दौरा किया. उस समय का पहला यूरोपियन था जिसने चीन देश का दौरा किया, दौरा मतलब ट्रैवल किया. हिज जर्नी इंस्पायर्ड मेनी एक्सप्लोरर. हिज मतलब उसकी, मतलब मार्को पोलो की जर्नी मतलब यात्रा इंस्पायर प्रेरित करती है. किसे प्रेरित करती है? बहुत से एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ताओं को, जो रिसर्च करते हैं, जो खोज करते हैं, उन लोगों को बहुत प्रेरित करती है. किसकी जर्नी? मार्को पोलो की जर्नी. हिज बुक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो और सेकेंड मिलियन गेव यूरोपियन सम ऑफ देयर अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना. उनकी बुक मतलब मार्को पोलो की जो बुक है, उनके नाम की जो बुक है, जो नाम है ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें उनकी यात्राओं के बारे में लिखा गया है, वो देती है, क्या देती है, सभी यूरोपियन यूरोप के रहने वाले लोगों को उस समय की अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन. उस समय की किसकी इन्फॉर्मेशन? चीन के देश के बारे में, उस समय का क्या हाल था, क्या नहीं था, जानकारियाँ उस समय के बारे में, इन्फॉर्मेशन चीन के देश के वाले लोगों में, यूरोप के लोगों को देती है. रीड दिस इमेजिनरी अकाउंट अबाउट सम ऑफ इट्स एडवेंचर. इसी कहानी को पढ़िए, इमेजिनरी अकाउंट के बारे में, उन्हीं के बारे में जो उनकी एडवेंचर्स हैं, मतलब उनकी जो रोमांचक कहानियाँ हैं संघर्ष भरे, उसको चलिए पढ़ते हैं. आई वॉज बॉर्न इन द ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस. इसमें देखो आई मतलब मार्को पोलो, वो खुद बता रहे हैं कि मैं पैदा हुआ था इन द ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस. उन्होंने खुद अपने बारे में बताया है इसमें. तो आई वॉज बॉर्न इन द ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस, मतलब मार्को पोलो, आई मतलब मार्को पोलो
पैदा हुए थे कहाँ? ब्यूटीफुल, सुंदर इटालियन सिटी, इटली की रहने वाली शहर में, जिसका नाम था वेनिस। वेनिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड इन्फ्लुएंशियल पोर्ट्स इन द मेडिटेरेनियन इन द 13th century। वेनिस उस समय का वेनिस मतलब, उस समय मतलब क्या, कौन सा समय? 13th century, 13वीं शताब्दी के उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध, प्रॉस्पेरस मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रॉस्पेरस मतलब प्रसिद्ध एंड इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रॉस्पेरस मतलब प्रसिद्ध, इन्फ्लुएंशियल पोर्ट मतलब बहुत ही समृद्ध पोर्ट मतलब क्या, बंदरगाह में से एक था। कौन? वेनिस। वेनिस उस समय के प्रसिद्ध और उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध बंदरगाह पोर्ट मतलब बंदरगाहों में से एक था। किस समय के? मध्य मेडिटेरेनियन मतलब मध्य 13th century, मिडिल 10th century में। ओके, माई मदर डाइड व्हेन आई वॉज यंग बॉय एंड आई वॉज रेस्ड बाई आंट एंड अंकल। माई मदर मतलब मार्को पोलो की मम्मी मर चुकी थी, मर गई थी कब? जब वो छोटे लड़के थे, यंग बॉय थे, जब छोटे बच्चे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। एंड आई वॉज रेस्ड मतलब उनका परवरिश, रेस्ट मतलब क्या, परवरिश किसने किया? उनकी आंट मतलब चाची और चाचा ने। दे ट्रेन मी टू बी अ मर्चेंट। उन्होंने उनकी परवरिश कैसे की? उन्होंने उनकी शिक्षा एक मर्चेंट बनने के लिए मतलब क्या, व्यापारी बनाने के लिए उनकी शिक्षा की। उनकी शिक्षा कैसे, उनको क्या बनाने के लिए की? मर्चेंट बनाने के लिए। Besides reading, writing and arithmetic, I learned about using foreign money, judging products and handling cargo ship. Besides मतलब के अलावा, किसके अलावा? रीडिंग मतलब पढ़ने लिखने और अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन मतलब जो गुरु घटना होता है वो, उसके अलावा आई लर्न मतलब मार्को पोलो ने पढ़ने लिखने और कैलकुलेशन के अलावा उन्होंने सीखा। आई लर्न मतलब क्या, उन्होंने सीखा, क्या सीखा, किसका यूज़ करना? विदेशी फॉरेन मनी मतलब क्या, विदेशी पैसों का यूज़ करना। जजिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे देखना, कौन सा प्रोडक्ट सही है कौन सा नहीं है, और उसे हैंडलिंग कार्गो शिप, उसे कैसे पकड़ के उसे कार्गो शिप में रखना है। कार्गो शिप मतलब क्या, जहाज, जहाज में रखना, उसका मूल भाव करना, ये सब चीज़ उन्होंने इसमें सीखा, मतलब पढ़ने लिखने और कैलकुलेशन के अलावा ये भी उन्होंने सीखा। आई लव एडवेंचर, अ ट्रेड दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर निकोलो, माई अंकल माफको। आई लव एडवेंचर, मुझे एडवेंचर, एडवेंचर मतलब क्या, साहसिक कार बहुत पसंद है, मतलब कहीं घूमने या वहाँ बहुत की यात्रा करना, वो सब करना बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि I trade that I inherited from my father Nicolo and my uncle Mafko। ये जो एडवेंचर की आदत थी ये मेरे क्या थे, किसमें था, मेरे इनहेरिटेड मतलब क्या, विरासत में था, मुझे विरासत मिला था। क्यों? क्योंकि मेरे पापा भी क्या थे, निकोलो भी क्या थे, एडवेंचर में घूमते रहते थे, और मेरे अंकल भी मैफको भी एडवेंचर घूमते रहते थे, तो ये दोनों चीज़ मुझे एक विरासत में मिला। किसमें मिला? विरासत में। इन 1271 एट द एज ऑफ 21 आई अकम्पेन्ड माई फादर एंड अंकल ऑन अ ग्रेट वेज ऑफ द लास्ट ऑफ चाइना, ईस्ट ऑफ चाइना। In 1271, at the age of 21, I accompanied my father and uncle on a great voyage to the east of China. मतलब 1271 में, at the age of 21, मतलब 1271, 1271 मतलब क्या, 1271 ईस्वी में, जब मैं मतलब क्या, मार्को पोलो 21 साल के थे, 21 साल के थे, उन्होंने वो अपने पापा और अंकल के साथ कहाँ गए, वेज मतलब क्या, जल यात्रा, समुद्र की यात्रा में, कहाँ, ईस्ट ऑफ चाइना, चाइना के पूर्व की तरफ यात्रा पे गए।
वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम वेनिस बाई सी एंड देन डिजर्ट एंड माउंटेन ऑफ द एशिया। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की कहाँ से? वेनिस से। वेनिस में कैसे? वेनिस में समुद्र के द्वारा, और फिर एशिया की तरफ। क्या था एशिया की तरफ? किस तरफ? फिर रेगिस्तान और पहाड़ों की तरफ। एशिया में, एशिया से रेगिस्तान और पहाड़ तरफ, वेनिस से समुद्र से, और फिर एशिया से उन लोग डिजर्ट मतलब रेगिस्तान और पहाड़ों से होके अपनी यात्रा स्टार्ट की। इट टुक अस मोर देन 3 years टू रीच कुबलाई खान समर पैलेस इन चाइना। उन्हें इट टुक अस मोर देन 3 years टू रीच कुबलाई खान समर पैलेस इन चाइना। उन्हें 3 साल से भी ज़्यादा समय लग गया कहाँ पहुँचने में? कुबलाई खान के समर पैलेस में। कुबलाई खान का एक समर पैलेस था जो कहाँ था? चाइना में, चीन में। तो चीन में उनके घर में कुबलाई खान के पैलेस में पहुँचने में उन्हें कितने साल से ज़्यादा समय लग गया? 3 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। अब भाई कुबलाई कौन कौन था? कुबलाई खान वाज अ मंगोल। कुबलाई खान कौन था? एक मंगोल प्रजाति का लोग था। एंड और लिव्ड, और क्या था वो? एंड लिव्ड द फियर दैट द चाइनीज वुड रेबल अगेंस्ट देयर फॉरेन रूल। एंड लिव्ड, और रहता था किसके डर में? फियर डर में कि द चाइनीज मतलब चीन के लोग वुड रेबल अगेंस्ट उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे देयर फॉरेन रूलर के विरुद्ध में, उसके विदेशी शासक के विरुद्ध में क्या षड्यंत्र रचेंगे। इस डर में वो हर समय रहता था। कौन? कुबलाई खान, कि उस चीन के लोग उसके विदेशी शासक पर क्या करेंगे, षड्यंत्र न रच दें। इस डर में हर समय वो जीता था। कौन? कुबलाई खान। टू प्रिवेंट दैट ही ऑर्डर दैट एवरी इवनिंग द सनसेट अ ग्रेट बेल। A great bell would toll, after which no citizen could leave his। इससे बचने के लिए, उसी से बचने के लिए, चाइनीजों से बचने के लिए उसने आदेश दिया था कि every evening मतलब हर शाम को sunset, सूर्यास्त के बाद, sunset sun मतलब सूर्य सेट मतलब अस्त, सूर्य अस्त हो जाने के बाद a great bell, एक घंटा बजेगा मतलब बड़ी घंटी घंटा बजेगा, और उसके बाद कोई भी सिटीजन कोई भी लोग लीव हिज होम, उसके घर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। ये उसका आदेश था। किसका आदेश था? कुबलाई खान का आदेश था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? डरता था किससे? चीनी, चाइना के चीनी के रेबल से। क्यों? क्योंकि उसके वो उसके विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? उसके विदेशी शासक के विरुद्ध थे। बट दिस रेस्ट्रिक्शन नेवर बॉदर्ड अस वेयर एवर वी वेंट। आवर होस्ट वुड एंटरटेन अस विद ग्रेट फीस्ट सर्व इन ब्यूटिफुल डिशेज। बट दिस रेस्ट्रिक्शन नेवर बॉदर्ड अस, मगर ये रेस्ट्रिक्शन जो ये पाबंदी थी, रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? पाबंदी। ये पाबंदी हमारे लिए, हमें कभी भी परेशान नहीं की, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, बॉदर्ड मतलब परेशान नहीं की। किसे? हमें। क्यों? वेयर एवर वी वेंट, हम जहाँ भी जाते थे, आवर होस्ट मतलब हमारे सेवक वुड एंटरटेन, हमें क्या करते थे? एंटरटेन मतलब क्या? एंटरटेन मतलब हमें, हमारी सेवा करते थे, हमारी सेवा करते थे। एंड ग्रेट फीस्ट विद सर्व इन ब्यूटिफुल डिश, किस तरह सेवा करते थे? अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन दे के खिला के हमें, हमारी सेवा करते थे। ग्रेट डांसर्स एंटरटेनर्स, और जो नृत्यकी थी वो हमारी क्या करते थे? हमें एंटरटेन करती, मनोरंजन करते थे। विथ टाइम, समय के साथ, विथ टाइम मतलब समय के साथ, आई लर्न द लोकल डायलेक्ट्स। लोकल मतलब वहाँ की डायलेक्ट्स मतलब भाषा, वहाँ की जो बोली थी, मैंने समय के साथ वहाँ की बोली मैं बहुत ही अच्छी तरह से सीख गया। क्यों? मार्कोपोलो, समय के साथ वहाँ की बोली मैं अच्छी तरह सीख गया, इतना सीख गया कि आई सर्व्ड अंडर कुबलाई खान एज द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। और मैं कुबलाई खान की सेवा में उन्हें उस प्रांत के गवर्नर बनाने में उनकी मदद की।
When I left Europe, जब मैं यूरोप छोड़ रहा था, आई वॉज अ सिंपल मर्चेंट एंड सर्टनली आई वॉज टू यंग टू हैव रीड मैनी बुक्स. जब मैं यूरोप छोड़ के यहाँ चीन आ रहा था तब मैं बहुत छोटा था. आई वॉज स्मॉल मर्चेंट, बहुत ही छोटा मर्चेंट था. एंड सर्टनली आई वॉज टू यंग और बहुत ही जवान था. एंड तब भी मैंने टू हैव रीड मैनी बुक, मगर मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी? किताबें. और किताबों में क्या लिखा था? बहुत से उस किताबों में बहुत सी दूर दूर के मतलब दूर दूर के बारे में कि कौन सी कंट्री में क्या क्या होता है, कौन से जानवर की कौन सी चीज़ क्या फेमस है, कौन सा पेड़, ये सब पेड़ बुक्स में होती है ना. तो इसी बुक्स को उसने पढ़ा था. किसने? मार्को पोलो ने पढ़ा था. हाउ एवर आई वॉज फैमिलियर विद द लेजेंड्स अबाउट द एग्जॉटिक ईस्ट व्हेन आई ट्रैवल टू चाइना. हाउ एवर, पता नहीं कैसे आई वॉज फैमिलियर, मैं बहुत ही घुल मिल चुका था लेजेंड्स अबाउट द एग्जॉटिक ईस्ट व्हेन आई ट्रैवल चाइना. जब मैं ट्रैवल चाइना आया तो मैं बहुत ही घुल मिल चुका था लेजेंड्स के साथ कि व्हेन आई ट्रैवल टू चाइना, कि मुझे जाना चाइना, पहले से उसके बारे में जानना पड़ेगा. इसलिए मैंने चाइना की भी किताबें पढ़े कि वहाँ क्या क्या पाया जाता है. मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे क्या देखने को मिलेगा, यूनिकॉर्न. क्या देखने को मिलेगा? यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न क्या होता है भाई? यूनिकॉर्न एक घोड़े की तरह देखने वाला जानवर होता है, मगर उसके सिर पे एक सींग होता है, वाइट कलर का सींग होता है, वाइट कलर का घोड़ा टाइप होता है और सर में एक वाइट कलर सींग होता है. यूनिकॉर्न ऐसा काल्पनिक जानवर है. तो उसको सोचा था कि उसने वो देखने को मिलेगा. ऑन माई वे बैक टू होम इन जावा आई सॉ सम एनिमल्स दैट रिसेम्बल यूनिकॉर्न बिकॉज दे हैड अ सिंगल हॉर्न इन देयर मजल. ऑन माई वे बैक टू होम जब मैं घर वापस आ रहा था इन जावा में, तब मैंने वहाँ देखा एक एनिमल्स को दैट रिसेम्बल यूनिकॉर्न. लगभग यूनिकॉर्न की तरह दिख रहा था क्योंकि दे हैड अ सिंगल हॉर्न. उसके भी एक सिंगल ही एक ही सींग थे उसके सिर पे, ऊपर सर पे. However, the truth is that unicorns I saw were very different from those I had here about. मगर मैंने सच बात यह है कि वो यूनिकॉर्न देखने में बहुत ही अलग था. जैसे मैंने सुना था उससे बहुत ही अलग था. क्यों अलग था? They were not white but black. मैंने तो सुना था यूनिकॉर्न क्या होता है? वाइट होता है. मगर वो वाइट जो मैंने देखा वो वाइट नहीं था, वो क्या था? ब्लैक था, काले रंग का था. They had hide like a buffalo. वो कहाँ छिप रहा था? ऐसे मानो कि छिपा हुआ दिख रहा था, देख के लग रहा था ऐसे मानो छिपा हुआ है कहीं. जैसे मानो बुफेलो हो, मतलब भैंस की तरह काला रंग था इसलिए वो लग रहा था कहीं छिप रहा हो. एंड देयर हूब्स वेयर एज बिग एज एलिफेंट फीट. और उसके जो खूट थे, पैर के खूट थे, वो जैसे मानो एलिफेंट के, हाथी के पैर. देयर हॉर्न्स टू वेयर ब्लैक इंस्टीड ऑफ वाइट. उसके हॉर्न भी, उसके सींग भी क्या थे? हॉर्न भी क्या थे? उसके हॉर्न भी क्या थे? ब्लैक थे, काले थे. किसके बजाय? वाइट के बजाय. सब हम लोग सुने थे यूनिकॉर्न क्या होता है? वाइट होता है. मगर इसका सब कुछ क्या था? ज़्यादातर ब्लैक ही था. लग रहा था ब्लैक उसकी तरह, मगर वो ब्लैक वो था नहीं यूनिकॉर्न. देयर टंग्स वेयर स्पाइकी. उसके जो जीभ थी बहुत ही नुकीली थी. एंड देयर हेड्स लुक लाइक अ वाइल्ड बोर. और उसका सर ऐसे मान लो दिख रहा था कैसे, जैसे मान लो जंगली सुअर. When we returned to Venice after 17 years, my father and I were taken for vagabonds and imposter. मतलब क्या? When we returned, जब हम वापस आए वेनिस से, कहाँ वेनिस में वापस आए, जब अपने चाइना चीन से यात्रा करके जब हम लोग वापस आए 17 साल बाद, मेरे पिता और मैं क्या हो गया था? Taken vagabonds and imposter. Vagabonds मतलब क्या? बेरोजगार या बिना काम किया. और इम्पोस्टर मतलब क्या? बिना कुछ किए जो होते हैं, खड़े बैठते हैं, वैसे हो गया था. एवरी वन थॉट, सब ने सोचा कि रियल पोलोज हैड डाइड समवेयर एब्रोड सिंस नो वन हियर्ड फ्रॉम दस लॉन्ग. क्योंकि इनका टाइटल क्या था? पोलो. मार्को पोलो था ना, तो पोलो था. जैसे बोलते नहीं बहुत, तो टाइटल के हिसाब से बोले जाते हैं. तो इन्होंने बहुत लोगों ने, उस समय के लोगों ने सोचा कि जो सचमुच के पोलोज थे, असली जो पोलोज जो 17 साल पहले यात्रा करने गए थे, वो क्या हो गए हैं? मर गए हैं कहीं अब्रॉड में. अब्रॉड मतलब क्या? विदेश में, बाहर, देश के बाहर कहीं मर गए हैं.
सिंस नो वन हैड हियर फ्रॉम अस, हमारे बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता था, सुना ही नहीं था बहुत समय से, इसीलिए वो सोचे कि पोलोस क्या हो गए, मतलब जो पोलोस है प्रजाति वो क्या हो गया, पहले बहुत समय पहले ही मर चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इट वॉज ओनली वेन वी स्लाइस्ड ओपन आवर ट्रैक एंड रिलीज पाइल्स ऑफ ज्वेल्स एंड गोल्ड दैट वी वेयर बिलीव्ड। इट वॉज ओनली वेन, जब अब वही जब इट वॉज ओनली वेन वी स्लाइस्ड, ये तभी हम पे विश्वास करते हैं जब हम अपना रैग मतलब बैग खोल के रिलीज करते हैं, उसको दिखाते हैं ज्वेल हीरे जवाहरात गोल्ड सोना एंड वी वेयर बिलीव, तब जाके वो विश्वास करते। I was the first person to introduce many oriental customs to Europe. मैं पहला व्यक्ति था जिसने इंट्रोड्यूस कराया था यूरोप में कस्टम्स के बारे में, मतलब क्या जो यात्रा होते हैं जो सामान वान का इस तरह से उतना ले आना, मैं पहला व्यक्ति था जो उसका स्टार्ट किया था, कहाँ यूरोप में। आई ऑल्सो ब्रॉड बैक टू यूरोप अकाउंट्स ऑफ द मैजिक ब्लैक स्टोन दैट देयर, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने वहाँ यूरोप में ब्लैक स्टोन मतलब काला कोयला, कोयला की मर्चेंटिंग स्टार्ट की, कोयला का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्ट किया, किसने, मार्को पोलो ने। बर्न एज अ फ्यूल इन चाइना, मैं पहला क्या था यूरोपियन था जिसने यूरोप में पहली बार कोयला का स्टार्टिंग किया, जैसे चाइना में जला जला के स्टार्ट किया था वैसे मैंने पहली बार यूरोप में इसको स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि द चाइनीज फाइंड दिस स्टोन बाई डिगिंग डीप अंडरग्राउंड, उन्होंने इसका खोज की थी कैसे गड्ढे नीचे खोद खोद के तब उसका मीन में पाया था कोयला। मैनी पीपल रिफ्यूज द टू बिलीव दैट द सच स्टोन कुड एग्जिस्ट, और बहुत से लोग जानता सब था मगर कोई मानने को विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कोई स्टोन भी होता है, और उस पर क्या कि कहता है सब विश्वास ही नहीं करते थे सच स्टोन का कोई ऐसा कोई स्टोन भी होता है, मगर मार्को पोलो इज अ रिटायरिंग टू कोल विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन यूरोप, समझा, मगर मार्को पोलो इज रेफरिंग टू कोल, उसने कोल को रेफर किया कोयले को, सब लोग विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन यूरोप, उसने डिस्कवर्ड में रिस्कवर्ड नहीं किया, वो पहले से ही था, उसको बताया उसके बारे में जानकारी दी, किसने, मार्को पोलो ने। आई टोल्ड पीपल ऑफ चाइनीज यूज पेपर मनी विच बोर द सील ऑफ द एम्परर, मैंने कहा कि किसकी चाइनीज पेपर मनी का, चीन के जो पेपर मनी है उसका यूज़ करो, विच बोर द सील ऑफ द एम्परर, और एम्परर की जो मुहर है उसके जगह पे। माई कंट्री मैन ट्रेडेड विद हैवी कॉइन, मेरे जो कंट्री मैन थे मेरे जो मतलब आसपास के लोग थे वो किससे व्यापार करते थे, हैवी कॉइन से, जैसे मानो कॉपर का कॉइन हो, गोल्ड का कॉइन या लेड का या पेपर मनी, इन सबसे सुन के उस समय से वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। मैनी ऑफ माई कंट्री मैन इवन मेम्बर्स ऑफ माई ओन फैमिली थॉट माई टेल्स वेयर मेड अप फैंटेसीज, बहुत से कंट्री मैन मतलब बहुत से सिटी मेरे कंट्री के लोग, मेरे यूरोप के लोग और इवन मेम्बर्स ऑफ माई ओन फैमिली, मेरे घर के लोग, मेरे फैमिली के लोग सोचते थे कि मेरी जो कहानियाँ हैं टेल्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सब क्या हैं, फैंटेसीज हैं, सब काल्पनिक कहानियाँ हैं, सच नहीं है। बट द ट्रूथ इज दैट आई डिड नॉट टेल इवन हाफ ऑफ द स्टोरी, मगर सच बात यह है कि मैंने जो देखा है उसका आधा भी मैंने नहीं बताया था, मैंने जो चाइना में जो चीज़ किया उसका देखा मैंने उसका आधा भी इन लोगों को नहीं बताया था, फिर भी ये उनको विश्वास नहीं करते थे। डू यू नो वाइल मॉन्क्स एंड स्क्राइब्स वेयर हैंड राइटिंग बुक्स इन यूरोप द चाइनीज वेयर प्रिंटिंग देयर्स दे हैड अ मार्वलस डिवाइस कॉल्ड प्रिंटिंग प्रेस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाइल मॉन्क्स मतलब जब जो भिक्षु होते हैं साधु होते हैं उन लोग जो हैंड रीडिंग बुक्स लिखते थे उस समय यूरोप में, द चाइनीज वेयर प्रिंटिंग देयर, वो कौन लिखता था, साधु और भिक्षु उन्होंने खुद कहा, जो वो उन लोग बुक लिखते हैं वो कहाँ से आती है यूरोप में, वो चाइनीज प्रिंटर्स से छापने पर आती है, उसमें कहाँ छपती थी, चाइन के बनाए हुए जो मशीन थी उससे छपती थी, क्या नाम था उसका, प्रिंटिंग मशीन,
दे हैड अ मार्वेलस डिवाइस, वो अद्भुत डिवाइस थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मार्वेलस डिवाइस, उस अद्भुत मशीन का नाम था प्रिंटिंग प्रेस, उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम जिसमें किताबें छपती थी, उसका प्रेस नाम क्या था मशीन का, प्रिंटिंग प्रेस। एज बुक मेकिंग वॉज अ लेबेरियस वर्क ऑफ यूरोप, बुक बनाना बहुत ही कठिन काम था, वर्कर काम था उस समय में यूरोप में। द वनली बुक इन सर्कुलेटिंग वेयर बाइबल एंड फ्यू बुक्स ऑफ पोएट्री, उस समय बस यूरोप में कौन सी बुक पड़ती थी, बस बाइबल छपती थी और कुछ पोएम की, पोएट्री की बुक। माई बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ओनली केम टू रिटर्न बाई अमेजिंग कोइंसिडेंस, मेरी लिखी हुई बुक जो तुम लोग पढ़ रहे हो ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, मतलब क्या, मार्को पोलो खुद बोल रहे हैं कि मार्को पोलो की जो बनी हुई किताब है केन जो रिटेन उनसे लिखी गई, उस पर भी एक अद्भुत अमेजिंग कोइंसिडेंस, एक क्या था, संयोग था, क्या संयोग था, कोइंसिडेंस मतलब संयोग, क्या संयोग था। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद आई रिटर्न टू वेनिस, जब वो वेनिस आए आई सर्व एज अ सोल्जर, वो किस तरह सेवा करते थे, वो एक सैनिक की तरह सेवा करते थे, किसमें, वार अगेंस्ट अगेंस्ट जेनोवा, जब वेनिस का जेनोवा के साथ युद्ध हुआ उस वार में मार्को पोलो एक एज अ सोल्जर की तरह उसका सेवा करते थे, सोल्जर की तरह उन्होंने सेवा की। आई वॉज कैप्चर्ड एंड व्हिसल इन जेल, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया और उसे बांध के जेल में डाल दिया गया। हु शुड आई फाइंड माई सेल शेयरिंग अ सेल विद, और फिर उन्हें किसके साथ सेल मतलब जेल में साथ रहना पड़ा, नो वन अदर देन एस्टिमेटेड नोवेलिस्ट, बहुत ही कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, उस समय के प्रसिद्ध उपन्यासकार रस्टी गेलो उस समय के मतलब 13वीं सेंचुरी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जिनका नाम था रस्टी गेलो। इन टाइम रस्टी गेलो बिकेम अ डियर फ्रेंड, और उनके साथ रहने में मार्को पोलो के वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए, कौन, रस्टी गेलो। एंड आई वॉज कैप एंड नो वन, घनिष्ठ मित्र बन गए एंड डियर फ्रेंड, एंड आई डिक्टेटेड माई स्टोरीज टू हिम, और उन्होंने मार्को पोलो ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बोल के डिक्टेट की, मतलब बोली सुनाई। एंड माई बुक वॉज कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेज, तब उन्होंने ही उस बुक को छपवाया बहुत से लैंग्वेज में। सून माई फेम, उसके बाद उनकी जो प्रसिद्धियाँ हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, वो स्प्रेड फैल गई फॉर मतलब दूर एंड वाइड, चारों तरफ। समझ में आया बेटा? अब इसकी वर्ड मीनिंग्स और एक्टिविटी आप लोग खुद से कोशिश कीजिए करने के लिए, जब नहीं आएगा तो मैं उसके चीज़ एक्टिविटीज़, पहले बुक ले लीजिए, पहले बात इसकी एक्टिविटीज़ करने के लिए, इसके क्वेश्चंस करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको बुक की बहुत ज़रूरी पड़ेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग बुक ले लीजिए और इसको जैसे मैंने लर्न किया है उसकी मीनिंग्स पढ़ाइए, उसके बाद मैं इसके एक्सरसाइजेज और वर्ड मीनिंग्स में आप लोग ट्राई कीजिए, मैं वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइजेस को करके व्हाट्सअप कर दिया जाएगा इस नंबर पर, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट लिंक पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।